जानवर भी बता रहे हैं 150 तो समझ लो बहुत बड़ी वसी पैमाने पर बड़ा माल था, कोई बीमार गया कोई मर गया। तो बीमारी तो वैसे भी आ जाती है जानवरों में यार, ऐसे आती है तो ऐसे नहीं आती है जैसे ये आई है। कहीं भी जहाँ पे वाड़ा देख कितने वाड़े है, ज्यादा है। अच्छा वो उस वाड़े में कुछ नहीं हुआ, उसी में कुछ नहीं हुआ, मेन में कुछ नहीं हुआ, इधर हुआ जो भी हुआ, इधर हुआ इधर हुआ। ये भी कौन है भाई? हाँ तो जंगल में ही है ना, जंगल के अंदर ही है। आप कहते हो ना जगह बताती है अपने आप जी, बिल्कुल नहीं। यहाँ मस्ता ये बता रहे हैं कि भाई हमले हो रहे हैं, मतलब ये नौबत आ गई है कि आपको पत्थर मारे जा रहे हैं। और ये मैं आपको दिखा दूं, ये अभी रिसेंटली आए हैं हमसे मिलने के लिए, दिखाने हमें, ये देखें क्या हुआ इनके साथ। ये देख रहे हैं पूरा पाँव इनका, ये ऊपर थे वहाँ से गिरे हैं नीचे, और 3-4 महीने बाद भी बाइक पर बैठे चल नहीं पा रहे सही से। और इनके बकौल इनको किसी ने धक्का दिया है, और इनके बकौल के जी बड़े बड़े जिन्नात हम समझ रहे थे लंबे, लेकिन ये कह रहे हैं वो इतने हमला आवर हैं, इतने ज़्यादा हैं कि हम उनको बड़े बड़े कह रहे हैं, मतलब खतरनाक, बड़े से मुराद ज़्यादा हैबतनाक, खतरनाक, बुरे जी। तो कोई बात कही है कभी किसी ने कि क्या चाहते हैं ये, क्या मसला है इनके साथ, या किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे? किसी ने नहीं किया, डरते हैं, कोई आते हैं नहीं, जिसको बोले बोले हम क्यों जाए, हमारा काम ही नहीं है, हम रात को क्यों जाए, सही, इसीलिए आते ही नहीं है कोई, सही। फिर माल भी खत्म हो गया। तो आप कह रहे हो जो ऊपर जगह है वहाँ सबसे ज्यादा खतरा है? खतरा है ज्यादा, वो पूरी जगह भी देखा अंदर, वो पूरी टूटी हुई है, गिरी हुई है, खत्म हो गई है, निशानी है ना यार। अच्छा बाकी इमारतें कोई टूटी फूटी हैं ऐसी? ऐसे यही टूटी फूटी है, एक ये एक उधर खूने में वो भी जगह गरी है, वो भी पूरा वाड़ा खाली है। मुझे तो मैंने कहा था ना गेट के एंटर होते ही फील आना शुरू हो गई थी यार। सजा तो एक मस्जिद से मौलवी साहब को भी लाए थे। अच्छा, उनका जो बड़ा है ना उसने बोला था मेरे को कि मस्जिद से मतलब पेशमाम को लेके आए, पढ़ाई वगैरह करवाई है, लेकिन पेशमाम भी मैक्सिमम 20 मिनट तक पढ़ाई की, उसके बाद चले गए। अच्छा जी, चलो बेहतर है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं ख्याल करना, मैं तो चाह रहा था शायद हमारे साथ ही चलते। नहीं वो ठीक है, वो सिचुएशन नहीं है इनकी जाने वाली। ये बताओ बाड़े के अंदर की भी मिली है यार, कितने हैं? बहुत सारे हैं भाई, इधर से उधर तक आप हद्दे निगाह देखें, इमली ही इमली है। बताओ सर, वो देखें जहाँ तक आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं सारे इमली के हैं, पहला बाड़ा है जिसके अंदर इतने इमली के दरख्त मिले। वो देखो यार सर, ये पूरा इमली का बाग है यार, वसी अरीज बाग है। ये मैं रात में दिखा रहा हूँ आपको, दिन में आपको सही दिखा सकता था, मैं रात में इतना दिखा रहा हूँ, सोचें कितने होंगे यहाँ पर। सर ये सिचुएशन है, रस्सियों से बांधा हुआ है इसको, जंजीरों से बांधा हुआ है, कोई आ नहीं रहा इधर। यहाँ से गिरा था बंदा? हाँ ना, ऊपर से गिरा है यार, यहाँ से गिरा है, जारी तो उन्हीं की जगह है भाई। मुझे बात बताओ ये दीवार के बाहर कैसे आई आंख? ये दीवार है ना, दीवार पे आंख कैसे आई बाहर? ये लाल गोला था, आग थी, क्या था? चाहे तो हमने जगह भी सही से नहीं देखी अभी, हम तो गए नहीं अंदर। उसने क्या कहा? आंखें लाल लाल आंखें, लाल लाल आंखें। भाई हुआ क्या है? ये खिड़की है सीढ़ी के साथ, पहले इसके नीचे देखी, ठीक है, हम इसको देख ही रहे थे, शिराज बहने का ऊपर है वो, ऊपर जो हाइट देख रहे हो हाइट, वहां देखी, फिर वो गायब हुई, फिर दीवार के बाहर आई। यार दीवार के बाहर कैसे आ सकती है आवाज दी है यार? मुझे तो अभी हमने ये जगह देखी नहीं है सर, बहुत वीरानियत थी और सर्दी की शिद्दत थी। आग के निशान नजर आ रहे हैं? काला काला दिख रहा है, नजर आ रहे हैं ना?
सीढ़ी के नीचे देख रहे हो, यहाँ कौन आग लगाएगा? वो कमरे में देखो आग, उस कमरे में देखो आग। एक मिनट समय रुक जा। उई चिमगाड़े, छतें जो है ना वो देखो सरिये नजर आ रहे हैं ऊपर, देख रहे हो छतें बुसीदा है, इमारत बुसीदा है। ये आग के निशान सीढ़ियों पे मैंने कहा था ना, ये देखो समझ लो, इधर आओ मुझे बताओ यहाँ कैसे लगी आग अंदर। ओई हुई, क्या कैसे गिर रहा है ये सब भाई? कुछ भी नहीं यार, यार ये हम पे गिर ना जाए। चांद भी नहीं है क्या? तो बस तक कोई भाई गड़बड़ है यहाँ, शदीद शदीद गड़बड़ है, पता है शदीद गड़बड़ है यार। दुआएं पढ़ ली है ना सब ने? दोबारा पढ़ लो। अस्सलाम वालेकुम। कुछ हो जाना है आज भाई, इधर आओ इसे मुझे दिखाओ यहाँ आग किसने लगाई ऊपर। याज भाई कामरान मुझे बताओ किसने आग लगाई यहाँ पर? कोई नीचे आग का निशान है? दिखाओ चारों तरफ दिखाओ, तसल्ली दिया हुआ है बहुत सी लोगों। मुझे बताओ ये किसने लगाई है आग, कैसे लगाई है ऊपर? याद है हमें दीवारों पे आग लगते हुए रिकॉर्ड किए हम कामरान, हमने ऐसे ही होता है जी। नीचे आपको कोई आग का निशान नजर नहीं आएगा, दिखा दें चारों तरफ से। और ऊपर कोई है? ऊपर कोई है? अस्तगफिरुल्लाह, बार 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 है, अस्तगफिरुल्लाह, बार 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 बार। और ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। ये जिस तरह धम धम हो रही है ना ऊपर, कभी भी छत नीचे आएगी हमारे ऊपर, ये साफ निशानी है कि अरसे से कोई आया नहीं। नीचे जमीन दिखा दें अपनी, पांव नहीं रखना इसके ऊपर, कोई जानवर ना आए यहाँ पर। ये पड़े हुए हैं, मैंने देख नहीं, पहले रिकॉर्ड कर लिया। इधर आओ, इधर आओ, वो कोना देखा है? जल्दी करो, जल्दी करो, ये ऊपर कोई भाग रहा है, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी है। आवाजें रिकॉर्ड हो रही है छत से, चारों तरफ देख लिया? जी जी जी, बताएं जी मुझे, अब मुझे बताएं ये आग छत पर क्या कर रही है? ये यहाँ से आग शुरू हुई है, मैंने कहा ना मेरी हाइट से ऊपर आग,